नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लीम मंत्र ऐसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये ठीक किस समय में हम लोग करें तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में भी बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज को, या फिर कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डाउन रहती हूँ और कभी कभी किसी से मनमुटाव भी हो जाता है, तो मैं कैसे उसे ओवरकम करती हूँ, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस सुख को तो हम झेल लेते हैं लेकिन दुख को नहीं झेल पाते हैं। क्यों? दुख जब आ जाता है हमारे जीवन में तो हमें लगता है कि दुख से बड़ा चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये तो एक पार्ट है। जब हमें दुख होता है तो हम रोते भी तो हैं। क्या हम आंसुओं को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ठीक उसी तरीके से जब हम बड़े खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो भी 32 के 32 दांत है ना, ये बाहर ही आ जाते हैं, राइट? तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है कि आप दुखी हो कि आप सुखी हो। ठीक है, तो सुख और दुख अपने समय के साथ आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि जब हम चारों तरफ से हार मान जाते हैं और हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम डिवाइन पावर की मदद लेते हैं। जी हाँ, डिवाइन पावर यानी वो परमात्मा की शक्ति जो हमें हमारे जीवन के बुरे दौर से बाहर निकालती है। जी हाँ, हर किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है ना? तो आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है, सबके जीवन में है। कोई अगर इंसान कहे कि मेरे जीवन में नहीं है तो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। एकमात्र वही इंसान कह सकता है जिसने मोह माया को त्याग किया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए हमारे जीवन में अभी भी मोह भी है, माया भी है, लेकिन साथ में हमें इसके साथ ही चलना भी तो है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्लीम मंत्र का जो जाप आप लोग करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देख लिया है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जिस समय आप क्लीम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, या फिर श्री कृष्ण को याद कीजिए, या फिर अपनी कोई भी विश कह दीजिए। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि आज मैं बात कर रही हूँ ठीक 11:11 की, यानी रात की। देखिए पूरे 2400 घंटे में ना, ये नंबर या फिर कह लीजिए हर एक नंबर घड़ी का या समय, ठीक है, ये दो बार आता है। तो दो बार आता है, तो जिसको सबसे खास समय कहा जाता है वो होता है रात के 11:11। खास करके 11:11 को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे एंजल नंबर भी कहा जाता है। साथ में इसे माया समाज के साथ यानी माया सभ्यता के साथ भी जोड़ा जाता है। वो बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जान लीजिए ठीक रात के 11:11 में करते हैं तो क्या होता है। चलिए दोस्तों, करना क्या है? देखो मैं ना बड़ी किताबी कीड़ा नहीं हूँ, बिल्कुल किताबें बहुत जो पढ़ती वैसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे शौक है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का, हीलिंग के बुक्स पढ़ने का, और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टिंग के बुक्स पढ़ने का। ठीक है, तो मैं इस तरह के बुक्स पढ़ती हूँ, ये बहुत कम है क्योंकि मैं यहाँ पर ला नहीं सकती इतने ज़्यादा, तो वो पढ़ती हूँ। लेकिन मेरा एक समय का चुनाव रहता है, रात के ठीक 11:11 पर मैं क्या करती हूँ, पहले 11 बजे से रेडी हो लेती हूँ। मैंने आप लोग सबको बताया है कि ये टाइम होता है हमारे सोने जाने के पहले का टाइम, राइट? तो इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप जो बोलोगे जो सोचोगे वो धीरे धीरे यहाँ पर छप जाता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को जो करना है कि अपनी डायरी में अपनी जो भी विश है उसे पूरी करके रखिए और ठीक 11:11 में उसे दोहरा लीजिए। ठीक है, मेरे बहुत सारे विशेस है जिसमें मैं लिखती हूँ, बहुत सारी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, अपने विश को लिखती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, मेरी जो भी इच्छा है उसे मैं थैंक यू कहती हूँ। लेकिन याद रखिए, आप ठीक
आपके पास सिर्फ 60 सेकंड का टाइम होता है, यानी 11:11 से ही सोचना शुरू कीजिए। जैसे ये 11:12 होता है, उसके बाद ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है। तो इसीलिए ठीक 11:11 पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी इच्छा है उसे दिल से याद करनी है, ठीक है, दिल से याद करनी है, यानी कि एकदम आँख वाँख बंद करके आपको सोचना है कि आपकी क्या इच्छा है। अगर हो सके तो ठीक उसी समय आप अपनी डायरी में एक पेन लेना, रेड पेन लेना, और ठीक 11:11 में ही करना इसको, रात को ही करना, और अपनी जो भी इच्छा है वो एक लिख देना, ठीक है। लिख देने के बाद में इसे बस भगवान को कहना, इसे दोहराने के बाद कि ये पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, ठीक है। और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, देखो 3 बार कहना, 3 बार का भी रीजन होता है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अपनी विश को 3 बार पढ़ना, 3 बार थैंक यू कहना, और 3 बार बहुत लंबी लंबी सांसें लेना और इसे फील करना। सिर्फ ये 60 सेकंड का खेल है, इस 60 सेकंड में आप बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन का काम है, इसको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है, यानी कि एक बच्चा भी 9 महीने के बाद ही बाहर आता है ना, तो इसीलिए ये भगवान की देन होती है, भगवान का गिफ्ट होता है, लेकिन हर एक चीज का समय होता है। तो इसीलिए एक दिन में मत सोचना कि मैंने इतना ट्राई किया, इतना किया, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन आप खुद चौंक जाओगे कि ये कैसे हो गया, है ना। तो इसीलिए हर एक चीज को टाइम दो, पेशेंस के साथ करो। दूसरी बात, आपको सिर्फ 11:11 में क्लीम मंत्र का जाप कर लेना है, यानी कि आप हो सके तो उसे खींच लो, जितना ज्यादा खींच सकते हो, लेकिन उसे उंगलियों में काउंट करके 11 बार करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मंत्र है, एक है क्लीम और एक है जो कृष्ण भगवान के नाम के साथ जुड़ा है, तो आप किसी को भी करो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इस समय इस चीज का कर लेना। दूसरी बात, आप जब भी इस समय का उपयोग करो, चाहे आपकी कोई विश हो ना हो, चाहे आपके पास समय हो ना हो, लेकिन ये एक समय जो 11:11 का समय होता है, ये हमेशा हमारे जीवन में ना कुछ नया जरूर लेकर आता है, ठीक है। तो इसे कोशिश कीजिए कि आप इस समय का पूरा पूरा उपयोग करें, यानी इस समय में जो भी लिखेंगे, जो भी सोचेंगे, वही अक्सर पूर्ण होती है। और अक्सर नहीं, दावे के साथ कह रही हूँ, ये टाइम जो है ये एंजल का नंबर भी कहा जाता है, तो इसीलिए इस टाइम का पूरा भरपूर उपयोग किया कीजिए। और साथ में देखिए कि हर एक दिन अगर ये अभ्यास करते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण होती है। लेकिन इसके साथ आपको यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना जरूरी बन जाता है, ठीक है। ये ग्रेटिट्यूड की भावना है। अब मैं अगले बात पर आती हूँ कि मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हूँ, दुखी रहती हूँ, कैसे इससे बाहर आती हूँ। सबसे पहले, अक्सर मेरे साथ लोगों की ये लेकर नहीं बनती है कि भाई आप नेगेटिव बात मेरे से मत बोलो, ठीक है, कि नेगेटिव कहने वाले इंसान अक्सर ही नेगेटिविटी का शिकार हुए रहते हैं। तो जो लोग शिकार हुए रहते हैं नेगेटिविटी का, वो इंसान हमेशा अपने वाणी में नेगेटिव बातें ही लाता है। देखो, कहीं ना कहीं हम जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, या फिर भगवान पर बिलीव करने वाले होते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करने वाले होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके हम नेगेटिव बातें ना बोलें। लेकिन हम हैं तो इंसान, कभी ना कभी किसी किसी ना किसी बात पर हमें या तो सुनना पड़ता है या तो कहना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें, सिचुएशन हर एक के जीवन में आती है। लेकिन मैं गुस्सा तभी होती हूँ जब देखती हूँ कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कर भी दिया कि भाई रुक जाओ, मत बोलो, इस तरह की चीज़ें मत बोलो, जो भी सिचुएशन है ये टल जाएगी, लेकिन आप पहले से ही इसे और ज़्यादा क्रिटिकल मत बनो। एक बात याद रखो कि मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हर एक जीवन में परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ परेशानी को लेकर ही जियो, आप खुशियों को भी लेकर जियो। तो मैं उस समय क्या करती हूँ, जो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करता है उस समय उसे रोकती हूँ। रोकने का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसे मना कर देती हूँ, देखो ऐसा मत बोला, उसे लॉजिक देती हूँ कि आखिर क्यों नहीं कहना चाहिए नेगेटिव बातें, ठीक है। तो नेगेटिव बातें क्या कर रही हैं, ये एक रिसाइकल का काम करती है, यानी आप दुखी थे, आप दुखी हो, दुखी रहोगे, यानी कि आप इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिव
थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को और ज्यादा मजबूत बना रहे हो अपनी नेगेटिव विचारों को कंटिन्यू करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जब भी स्ट्रेस में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने स्ट्रेस पर फोकस ना करूँ, मैं अपनी अच्छी चीजों पर फोकस करूँ। तो जो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करता है उसे रोकिए, उसे समझाइए कि क्यों नहीं करनी चाहिए नेगेटिव बातों को। हाँ, आप अपने दुख को जरूर बता सकते हो, आप अपनी तकलीफ जरूर बता सकते हो, लेकिन आप एक ही चीज को हर एक चीजों के साथ तौल नहीं सकते हो, ठीक है। यानी कि हर इंसान बुरा है सिर्फ आप सही हो, ऐसा हो नहीं सकता है, या फिर हर इंसान अच्छा है आप बुरे हो, ऐसा भी हो नहीं सकता है। तो हर एक चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी आप परेशान हैं तो परेशानी को आप डिस्कस जरूर करो, लेकिन उसका समाधान ढूंढने के लिए, ना कि परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अपनी परेशानी को और ज्यादा दिखाने के लिए। तो इन सारी चीजों से दूर रहो। मैं इन सारी चीजों से दूर रहती हूँ। सबसे पहले मैं इंसान को समझाती हूँ, लॉजिक देती हूँ, उसके बाद अगर वो नहीं समझता है तो उसे अपने लाइफ से हटा देती हूँ। और लाइफ से हटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल डिटैच हो जाती हूँ, बस मेरे दिमाग में यही रहता है कि सामने वाले को मैंने बहुत कोशिश की सुधारने की, ये इंसान अगर नहीं सुधरता है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने कोशिश की, दोष सामने वाले का है, या फिर कह लीजिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी माइंडसेट वैसी बना के रखी है। तो अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, और साथ में गाना वगैरह मैं बड़ी सुनती हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे ना सूदिंग म्यूजिक बहुत पसंद है, और कभी कभी अगर मुझे लग रहा है कि मैं अब बस हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो मैं सीधा एक ऐसा गाना लगाती हूँ, हेडफोन का यूज करती हूँ ज़्यादा, और रूम में बंद हो जाती हूँ, अच्छा खासा नाच लेती हूँ, डांस वांस कर लेती हूँ। पता है मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया अपने वेट को, लेकिन फिर भी मैं नाच लेती हूँ, भले नीचे वाले ऊपर आ जाए और आकर मुझसे कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने में खुश रहना जानती हूँ। और आप लोग भी अपने में खुश रहना सीख लीजिए। इतनी सारी वीडियोस यूं ही नहीं बनाया है, आप लोगों की अच्छाई के लिए बनाया है, तो उसे देखिए और अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कीजिए। और हाँ, 11:11 में कोई भी चीज़ को मिस मत कीजिए, यानी जो भी इच्छा है इसे हर रात पूरी कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।